हेलो चो, हाउ आर यू। आज हम अपनी सेवन्थ क्लास बुक हनीकॉम्ब फर्स्ट लेसन थ्री क्वेश्चंस के कुछ एमसीक्यू यानी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है हमारे मल्टीपल चॉइस वाले, वो हम डिस्कस करेंगे। हमने पीछे पाठ की वीडियो को ध्यान से देखा, कहानी को समझा, उसी के आधार पर ये कुछ क्वेश्चन हैं जिनको हम यहाँ हल करने की कोशिश करेंगे। द किंग प्रोमिसिस ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर हिज, जो उसके जो है जवाब देगा उसके उत्तर के, उसमें चार उत्तर दे रखे हैं, ए बी सी और डी, सही वाला हमें जो है बताना है। तो उसका जो है थ्री क्वेश्चन को हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। थ्री क्वेश्चन यानी ये ग्रीन लाइट लगे, इसका मतलब हमारा उत्तर जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, सम वाइज मैन, वाइज मतलब क्या है, वाइज का मतलब है बुद्धिमान, मैन मतलब आदमी, कुछ बुद्धिमान आदमियों ने एडवाइज द किंग, राजा को सलाह दी, टू गो टू द, कहाँ जाने की सलाह दी, चार देख दे रखे हैं, एक्रोबेट्स, मैजिशियंस, रॉयल एस्ट्रोलॉजर, नन ऑफ दिस। सम वाइज मैन एडवाइज किंग टू गो टू द, अब उसने जो है कहाँ जाने की ये सलाह दी, तो इसमें जैसे हम मैजिशियन जादूगर के पास जाने की सलाह दी, ग्रीन लाइट है, तो ये हमारा सही उत्तर है। यानी कुछ बुद्धिमान लोगों ने उसके उत्तरों को जानने के लिए जादूगर के पास जाने की सलाह दी थी, मैजिशियन से, हमारा बी हमारा सही रहेगा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द हर्मिट वाज widely known for his, वो किसके लिए जाना जाता था, स्ट्रेंथ, अपनी शक्ति के रूप में, विजडम बुद्धिमत्ता के, इल टेम्पर गुस्से या अपने रुखेपन के कारण। तो हमारा आंसर क्लिक करते हैं, द हर्मिट वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, अपनी बुद्धिमता के वो जाना जाता, तो हमारा बी ग्रीन लाइट जगी है तो हमारा सही है। मान लीजिए हम इसका उत्तर गलत देते हैं, स्ट्रेंथ करते हैं, तो वो हमारा उत्तर जो है उसमें रेड आ जाएगी, वो नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर फोर, द किंग प्रोमिस्ड टू सेंड टू द वाउंडेड मैन, वाउंडेड मैन यानी जो घायल व्यक्ति है, टू सेंड टू द वाउंडेड मैन, जो घायल व्यक्ति है, इसमें इस सर्वेंट को, अपने नौकरों को, इज ऑन डॉक्टर अपने डॉक्टर को, इस सर्वेंट या इज ऑन डॉक्टर अपने नौकर या अपना डॉक्टर, या नन ऑफ दीज, या इसमें से है कोई नहीं। राजा ने उसके पास, घायल व्यक्ति के पास क्या भेजने की जो है प्रॉमिस किया, वादा किया, हिज सर्वेंट, मान लीजिए हम सर्वेंट करते हैं तो ये रेड लाइट है, तो इसका मतलब सर्वेंट नहीं, हिज सर्वेंट एंड हिज ओन डॉक्टर, ये सी हमारा इसमें जो है सही हो जाएगा, सी, इसका मतलब सी हमारा उत्तर जो है ये सही है। पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द हर्मिट द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम इज, हर्मिट के अनुसार जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज़रूरी समय कौन सा है, टाइम इज कौन सा है, सबसे ज़रूरी समय जो है वो कौन सा है, नाउ अब है, या जो बीत गया पास्ट है, या जो आगे आएगा फ्यूचर है, या अर्ली मॉर्निंग या सुबह कोई समय होता है, इसमें सबसे ज़रूरी समय कौन सा होता है अकॉर्डिंग टू द हर्मिट। तो जो वर्तमान में जो समय है यानी नाउ अब, तो ये हमारा सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर छः की तरफ बढ़ते हैं।
हु इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, सबसे जरूरी व्यक्ति कौन होता है, सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता है। द पर्सन यू एन हवर अगो, जो आदमी एन आवर अगो, जो पहले था एक घंटे पहले, या द पर्सन यू आर विद एट ए पार्टिकुलर मोमेंट, या जो व्यक्ति जो किसी विशेष समय पर मौजूद होता है। द पर्सन यू आर हेल्पिंग, जो आदमी जो सहायता कर रहा होता है। द पर्सन यू आर लविंग विद, या जो व्यक्ति जिसे आप प्रेम प्यार करते हो। हु इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, इसमें कहा कि हु इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, सबसे महत्वपूर्ण आदमी कौन होता है। महत्वपूर्ण आदमी वही होता है जो उस समय पर काम आए। जैसे इसमें आ जाएगा द पर्सन, बी हमारा सही रहेगा, द पर्सन यू आर विद एट ए पार्टिकुलर मोमेंट, व्यक्ति यू आर विद एट ए पार्टिकुलर मोमेंट, किसी विशेष परिस्थिति में जो व्यक्ति जो मौजूद होता है वही विशेष व्यक्ति होता है, महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, सबसे महत्वपूर्ण समय क्या है। प्रेजेंट यानी महत्वपूर्ण समय वर्तमान का ही है, तो इसमें ए हमारा ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। हु वाज द बियर्डेड मैन, यानी जो दाढ़ी वाला, बियर्डेड मैन क्या होता है, दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन होता है। ए द एनमी ऑफ द किंग, राजा का दुश्मन है, या फार्मर किसान है कोई, या मैजिशियन है, या कोई सेंट है, संत है, कौन होता है दाढ़ी वाला व्यक्ति, कौन होता है वो, कौन होता है दाढ़ी वाला व्यक्ति। फार्मर पर हमने कह लिया फार्मर, यानी वो गलत है। द एनमी ऑफ द किंग यानी वो राजा का जो है दुश्मन होता है। दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन होता है, राजा का दुश्मन होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर ए हमारा जो है इसके ऊपर सही रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 9। हु वांटेड टू नाउ आंसर थ्री क्वेश्चन, तीन प्रश्नों के उत्तर कौन जानना चाहता था। साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, या कोई टीचर, या एन एस्ट्रोनॉमर, कोई ज्योतिषी, या कोई राजा, कौन जानना चाहता था वो थ्री क्वेश्चन, तीन प्रश्नों के उत्तरों के जवाब कौन जानना चाहता था, कौन जानना चाहता था, राजा जानना चाहता। तो इसलिए हमारा डी भाग सही रहेगा, इसलिए हमारा भाग डी सही रहेगा, यानी किंग, राजा। क्वेश्चन नंबर आगे 10 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट वर द थ्री क्वेश्चन ऑफ द किंग, राजा के तीन प्रश्न कौन से थे। ए व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी चीज को करने का शुरुआत करने का समय, या विच पीपल शुड बी लिसन टू, विच पीपल कौन से लोग शुड बी लिसन टू, उन लोगों को सुनना चाहिए। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, क्या व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कौन सा कार्य, कौन सी चीज़ जो उसे करनी चाहिए, या ऑल द अबो, या ये सारी चीज़ें कौन सी चीज़ें थी। तो इसमें हम पर्सन को फिर समझेंगे, व्हाट आर द थ्री क्वेश्चन ऑफ द किंग, यानी राजा के वो तीन पर्सन कौन से थे, कौन से थे। ये तीनों ही प्रश्न इसके सही थे, तो इसका मतलब हमारा डी उत्तर सही रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही प्रश्न के उत्तर राजा जानना चाहता था, कि किसी कार्य को करने शुरू करने का उचित समय क्या होता है, बी विच पीपल शुड बी लिसन टू, किन लोगों को सुनना चाहिए, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर टू हिम टू डू, और किस चीज़ को उसे जो है प्राथमिकता के साथ करना चाहिए। ये तीनों ही प्रश्नों के उत्तर सही हैं, इसका मतलब डी हमारा सही है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डिड द किंग डू टू मीट द हर्मिट, व्हाट डिड द किंग डू, राजा को क्या करना चाहिए, मीट द हर्मिट मिलने के लिए क्या करना चाहिए, पुट ऑन ऑर्डनरी क्लोसेस, अपने जो है साधारण कपड़े पहनने चाहिए, या लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड, या वेंट ऑन अलोन,
या ऑल ऑफ द अबव, इसमें से क्या करना चाहिए राजा को? व्हाट डिड द किंग टू मीट द हर्मिट, उससे मिलने के लिए क्या करना चाहिए उसे? गॉड निकोलसिस, यू वेंट टू अलोन, यू लेफ्ट अ हॉर्स इज ऑलरेडी गार्ड, या ऑल ऑफ द अबव? मान लीजिए हम ऑल ऑफ द अबव करते हैं तो इसका मतलब ये हमारा सही है, यानी ये सारी चीज़ें करने चाहिए। पुरुषे जो है साधारण कपड़े पहनने चाहिए, लेफ्ट इज हॉर्स विद इज बॉडी गार्ड, और वेंट अलोन, अकेले चलना चाहिए, है ना, घोड़े छोड़ करके, बॉडी गार्ड बिना बॉडी गार्ड की जाना चाहिए, यानी ऑल ऑफ द अबो। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। हाउ डिड द किंग सर्व द वांटेड मैन? किंग सर्व द वांटेड मैन, उसने किस प्रकार से जो है वांटेड मैन, घायल व्यक्ति की जो है सहायता की थी? वास्ट एंड कवर्ड इज वास्ट एंड कवर्ड इज वाउंड हिज हैंडकरचीफ, अपनी रुमाल से उसके घाव साफ किया, पट्टी बांधी, रीड्रेस द वाउंड मैन अंटिल द ब्लीडिंग स्टॉप, जब तक खून रुका नहीं तब तक उसने जो है उसकी पट्टी बांधी, ब्रोट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, ताज़ा पानी लाया उसको दिया, ऑल ऑफ द अबव, यह सारी चीज़ें उसने की थी, यानी उसने ये सभी चीज़ें की थी। इसका मतलब हमारा डी आंसर सही है, ऑल ऑफ द अबव, यानी ऊपर वाले जो दिए गए थे उस तरह हमारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 13 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाई डिड द बियर्ड मैन, यानी जो दाढ़ी वाला व्यक्ति है, स्वी रिवेंज ऑन द किंग? ए, द किंग हैड कोटेड हिम, बी, द किंग हैड पुट हिज ब्रदर टू डेथ, द किंग हैड सेज हिज प्रॉपर्टी, या बी और सी? दाढ़ी वाला व्यक्ति, व्हाई डिड द बियर्ड मैन स्वीयर रिवेंज ऑन द किंग, बदले की भावना क्यों रखता था? इसका हमारा जो है बी और सी सही है, तो बी और सी सही है, तो इसका मतलब डी हमारा आंसर सही रहेगा। द किंग हैड पुट हिज ब्रदर टू डेथ, द किंग हैड सेज्ड हिज प्रॉपर्टी, तो ये दोनों सही जवाब है, इसका मतलब डी हमारा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, द किंग वांटेड टू नाउ आंसर टू 3 question 2, वो तीन प्रश्नों के उत्तर क्यों जानना चाहता था, वो तीन प्रश्नों के उत्तर के जवाब क्यों जानना चाहता था? टू अवॉइड सक्सेस, सफलता से बचने के लिए, टू अवॉइड फेलियर, असफलता से बचने के लिए, बी द वाइजेस्ट किंग, एक बुद्धिमान राजा बनने के लिए, या बी वेल्थी? तो इसमें टू अवॉइड फेलियर बी हमारा सही उत्तर है, तो बी को हम क्लिक करेंगे, तो ये इसका मतलब बी हमारा सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, द किंग प्रोमिस्ड ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनी वन हु वुड आंसर हिज, राजा ने वादा किया कि वो प्रोमिस्ड वादा किया टू लार्ज सम मनी, बहुत बड़ी रकम देने के लिए एनी वन, किसी को भी, हु वुड आंसर हिज, जो उसके जवाब देगा। वन क्वेश्चन एक पर्सन का, टू क्वेश्चन दो पर्सन का, 3 question 3 पर्सन का, या 4 question, तो इसका मतलब वो 3 question का 3 प्रश्नों के उत्तर में जानना चाहता था। इस प्रकार से बच्चों हमने ये हमारा पहला पार्ट 3 question के कुछ MCQ हमने यहाँ हल करने की कोशिश की है। इनको आप बार बार याद करें और दोहराएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।